बेटा रोहित दास के पास में लेकर के पहुंचे तो बेटा रोहित दास ने भी मना कर दिया। कहने लगे जब हमारे माँ और बाप ने जलपान नहीं किया तो भला हम कैसे कर सकते हैं। विश्वामित्र जी फिर से ले जाने लगे क्या रखना भक्तों। और जैसे काशी नगरी की तरफ पहुंचे ही आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो आकर के खरीद सकता है। और कैसे आवाज लगा रहे हैं, काशी बीच डगरिया की कीमत को पूछने लगा और कहा ए, इसकी क्या कीमत है। हाँ मर्द की बीस बार सोना और इसकी स्त्री की हाँ इसकी भी 20 बार सोना और इस बच्चे की इसकी भी 20 बार सोना। अच्छा 20 बार सोना हल्की हो चाहे भारी और 20 रुपया सवारी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। और क्या बोले समय पे भेजा दे राजा हरिश्चंद्र को एक
मैत्र लेकर के खरीद करके चला जाता और रानी तारावती को पंडतानी खरीद करके ले जाती है, बेटा रोहित आस्के को पानी खरीद करके ले जाता है। ध्यान रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज तीनों प्राणी बिकने के बाद में राजा हरिश्चंद्र जब काव्य मैत्र खरीद करके ले गया तो काव्य मैत्र ने एक दुकानदार से कह दिया कि जिस दिन की खाने की सामग्री हमारा हरिया लेने के लिए आए आप देते रहना। ऐसा ही किया। क्या रखना भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर प्रथम दिन जैसे भोजन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र बैठे तब विश्वामित्र जी ने पीछा नहीं छोड़ा और विश्वामित्र जी एक संत का रूप धारण करके और राजा हरिश्चंद्र के भोजन को मांगने लगे। और जैसे राजा हरिश्चंद्र के भोजन को मांगने लगे, ध्यान रखना भक्तों, उसी समय एक दिन हो गया, दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे तो कहीं बिल्ली का रूप बना करके आते हैं, कहीं कुत्ते का रूप बना करके आते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को भोजन करने के लिए नहीं मिला। उसी समय राजा हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि आज के बाद में मैं भोजन ही नहीं करूंगा और ऐसे ही अपने मालिक की सेवा करने के लिए लग गए। जब अपने मालिक की सेवा करने के लिए लग गए, ध्यान रखना भक्तों, उसी समय शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। अब तो राजा हरिश्चंद्र पे रास्ता भी नहीं चली जा रही। एक समय की बात, रानी तारा काले मैत्र की पत्नी कहने लगी, हरिया तो घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ काम काज नहीं करते करता है, जाओ एक घड़ा दिया, कहा इस घड़े में प्रतिदिन नदी से जल भर के लाना होगा। ऐसा ही किया। आज जल भरने के लिए चले तो 27 दिन बीत गए, राजा हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। उसी समय शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था, घड़ा नहीं उठ रहा था। जब घड़ा नहीं उठ रहा था तो रानी तारावती घूमती उसी नदी पर पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी अगर हो सके तो आप हमारे घड़े में थोड़ा हाथ लगा। और क्या बोले, हेलो 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 हेलो। और क्या बोले हैं,